दिल्ली में नगर निगम की 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस चुनाव पर सभी की नजरें आम आदमी पार्टी पर लगी हुई हैं। 2012 में दिल्ली में 272 वार्ड में चुनाव हुआ था, जिसके बाद इनमें से की पार्षद विधायक बन गए और ये सीटें खाली हो गईं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव के नतीजे 17 मई को घोषित किए जाएंगे। जिन 13 वार्डों में ये चुनाव हो रहा है, वहां की 12 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जनता जो इसका एक साल का सवा साल का जो केजरीवाल की सरकार का जो एक झूठ का पुलंदा जो इस आदमी ने जो ख्वाब दिखा के लोगों को और उसमें कुछ नहीं किया, इतने स्कूल बनाऊंगा, वाईफाई दूंगा, फलाना ये करूंगा, ढिकड़ा ये करूंगा, उसमें कहीं पे भी किसी पे भी तो एक पे भी तो कोई अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। तो अब लोगों की समझ में आ गया और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंटर में, आप ये देखें कि अब कितना टाइम हो गया सेंटर में सरकार को। जब पहले भी सरकारें आपने देखी होंगी उनमें हर दूसरे दिन कोई स्कैंडल आता था, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, आज तक आप मीडिया भी इस बात के गवाह हैं कि कोई कहीं पे उंगली नहीं रखी गई कि जनता में रोष है कि 1.5 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने सिवाय धोखे के जनता को कुछ नहीं दिया और सिवाय एडवर्टाइजमेंट के कुछ नहीं किया, इसलिए वो रोष आज निकल के आ रहा है। मैंने भी लाइन में जिससे भी बात की, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं।